हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब एकदम मस्त होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां के लोग गरीब हैं, लेकिन वो लोग गरीबी में भी बिंदास रहते हैं। जिस देश में दहेज के रूप में कम से कम 10 गाय दी जाती है, जिस देश में पुरुष अपनी इच्छा अनुसार कितनी भी महिलाओं के साथ शादी कर सकते हैं, जिस देश में एक दो नहीं बल्कि 68 भाषाएं बोली जाती हैं, जिस देश के लोग रात 11 बजे के बाद रोड पर नंगे दौड़ते हैं। गैस कर पा रहे हो हम किस देश की बात कर रहे हैं? गैस कर लिया तो चलिए अब हम आपको बता दें, हम बात कर रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के बेहतरीन देशों में से एक केन्या की। तो चलिए अब देर किस बात की, सीट बेल्ट बांध लीजिए और निकलते हैं केन्या के शानदार सफर पर। दोस्तों, केन्या में अफ्रीका महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा माउंटेन स्थित है। जी हाँ, आपने सही सुना, केन्या में स्थित माउंट केन्या अफ्रीका महाद्वीप का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये माउंटेन बेहद ही विशाल और अनोखा है। तो वही बात करें पहले नंबर की, तो माउंट किलिमंजारो इस मामले में पहले नंबर पर है। दोस्तों, क्या आपको पता है केन्या देश में नेशनल ट्रांसपोर्ट नहीं है। यहाँ पर हमारे भारत देश की तरह रोडवेज बसें नहीं चलती, बल्कि यहाँ पर ज्यादातर वैन चलती हैं। वैन के अलावा इस देश में ज्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं है, इसलिए यहाँ के लोग उन छोटी छोटी वैन में भी 19-20 लोगों को ठूस कर ले जाते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के ट्रैवलर्स का क्या हाल होता होगा, है ना कमाल की बात। दोस्तों, आपको बता दे, वैसे तो केन्या देश काफी गरीब है, लेकिन यहाँ के लोग गरीबी में भी अपनी जिंदगी खुशहाली से व्यतीत करते हैं। यहाँ के लोग गरीब होने के बावजूद भी बिंदास रहते हैं। क्या आप जानते हैं केन्या में दो ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक है इंग्लिश और दूसरी है स्वाहिली। इस देश के 60% लोग यहाँ की लोकल लैंग्वेज ही बोलते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस देश में पूरी 68 लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि केन्या देश का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यानी कि केन्या देश में सबसे ज्यादा पैसे कहाँ से आते हैं? दोस्तों, इस देश का पैसा आता है कॉफी के निर्यात करने से। इस देश में कॉफी का प्रोडक्शन बहुत बड़े पैमाने पर किया जाता है। यहाँ पर आपको हर दिशा चौथा व्यक्ति कॉफी प्रोडक्शन या इससे संबंधित कामों में लगा हुआ मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि केन्या में ज्यादा लोगों को कॉफी पीने का शौक नहीं है। यहाँ पर लोग या तो चाय पीते हैं या फिर बियर पीकर मस्त रहते हैं। लेकिन फिर भी यहाँ के लोग अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत रखने के लिए कॉफी को बड़े पैमाने पर निर्यात करते हैं, है ना दोस्तों, मजेदार बात। तो चलिए अब हम आपको केन्या के बारे में अगली मजेदार बात बताते हैं। दरअसल आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश गुलाब उत्पादन करने के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। यहाँ पर गुलाब के फूलों को बड़े लेवल पर निर्यात किया जाता है। दुनिया के ज्यादातर देशों में केन्या से ही गुलाब जाता है, लेकिन केन्या की इनकम का मेन सोर्स गुलाब प्रोडक्शन से नहीं होता। जैसा कि हमने आपको अभी बताया कि केन्या की इनकम का मेन सोर्स कॉफी का एक्सपोर्टेशन है, तो वहीं ऐसा नहीं है कि केन्या केवल कॉफी एक्सपोर्टेशन करने से ही पैसा कमाता है। केन्या में लाखों विजिटर्स हर साल घूमने के लिए आते हैं। केन्या टूरिज्म से भी बड़े पैमाने पर पैसा कमाता है। आपको बता दें, एशिया महाद्वीप में से तो यहाँ पर कम ही लोग घूमने के लिए आते हैं, लेकिन यूरोप में से तो यहाँ हर साल काफी ज्यादा संख्या में लोग घूमने के लिए आते हैं, इसलिए यहाँ की अर्थव्यवस्था में टूरिज्म भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दोस्तों, हम आपको बता दें कि केन्या को लैंड ऑफ बर्ड्स भी कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो हम आपको बता दें, यहाँ पर पूरी दुनिया के सबसे ज्यादा 1132 अलग अलग किस्म के पक्षी रहते हैं। जी हाँ, 1132 अलग अलग तरह के पक्षियों के निवास करने वाली जगह केन्या को इसलिए ही लैंड ऑफ बर्ड्स कहा जाता है। लैंड ऑफ बर्ड्स मतलब होता है पक्षियों की भूमि। दोस्तों, आपको बता दें कि केन्या में दहेज के तौर पर सोना चांदी के गहने और पैसे नहीं बल्कि 10 गाय दी जाती है। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यहाँ पर यही रिवाज है। और दोस्तों, यहाँ के एक वकील ने तो कमाल ही कर दिए थे। दरअसल उस वकील ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा को 100 गाय, 50 भेड़ और बकरिया देने की बात कही थी। पता है क्यों? इसके पीछे की वजह जानकर आपकी हंसी नहीं रुकने वाली है, क्योंकि वो पागल वकील चाहता था कि बराक ओबामा उनका दामाद बने। यार, कोई इनको बताए कि अमेरिका के इस लेजेंड के साथ गाय भैंस देकर शादी नहीं की जाती। केन्या के लोग भी कमाल हैं, दहेज में देते तो क्या गाय भैंस। दोस्तों, चलिए जब बात केन्या के लोगों की हो ही गई है, तो हम आपको बता दें कि केन्या के लोग एक दो नहीं बल्कि जितनी मर्जी उतनी शादी कर सकते हैं। जी हाँ, और ये लीगल भी है।
केन्या की सरकार भी चाहकर यहां के लोगों को एक से ज्यादा शादी करने से नहीं रोक सकती। यानी कि अगर किसी व्यक्ति की एक बीबी है तो वो उसके साथ होते हुए भी दूसरी शादी कर सकता है ना दोस्तों, कमाल की बात। दोस्तों क्या आपको पता है केन्या के एथलीट दुनिया भर में फेमस हैं। बड़ी बड़ी लीग में जितने भी विनर होते हैं वो ज्यादातर केन्या से ही निकलते हैं। यहाँ के एथलीट्स गॉड गिफ्टेड हैं और ये है इनका नेचुरल टैलेंट। जब बात एथलीट्स की हो ही गई है तो हम आपको बता दें, केन्या के एथलीट रात को 11 बजे के बाद सड़कों पर दौड़ते हैं, वो भी बिना कपड़ों के। इसके पीछे की वजह है कि यहाँ के लोगों को एथलीट्स बनने का शौक है, इसलिए वे ऐसा करते हैं। केन्या के लोग भी अजीब हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यही दुनिया में ऐसा एकमात्र देश है जिसमें प्लास्टिक बैग को लेकर सबसे कड़क कानून है। आप जानकर दंग रह जाएंगे कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति प्लास्टिक बैग बेचता हुआ या प्लास्टिक बैग बनाता हुआ पकड़ा जाता है तो उसको 25 लाख रुपए का जुर्माना और 4 साल की कैद होती है। दोस्तों साफ पानी की दूसरी सबसे बड़ी झील विक्टोरिया का कुछ प्रतिशत हिस्सा केन्या में भी पड़ता है। जी हाँ, दरअसल इस झील का युगांडा में 45% हिस्सा, तंजानिया में और केन्या में 6%। ये झील देखने में बेहद ही सुंदर है, इसलिए तो यहाँ पर काफी विजिटर्स घूमने के लिए आते रहते हैं। इस झील का मनमोहक नजारा टूरिस्ट के लिए अट्रैक्टिव सेंटर बना हुआ है। अगर आप केन्या घूमने के लिए आए तो इस झील को विजिट जरूर करें। दोस्तों चलिए अब हम केन्या की लड़कियों के बारे में बात कर लेते हैं। दरअसल केन्या में बेहद ही खूबसूरत लड़कियां रहती हैं। यहाँ की लड़कियों को डस्की ब्यूटी के नाम से जाना जाता है। केन्या एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर इतनी सारी डस्की ब्यूटी वो भी एक साथ रहती हैं। एक सर्वे के अनुसार पता चला है कि यूरोप से जितने भी लोग केन्या घूमने के लिए आते हैं उनका मेन टारगेट घूमना नहीं होता बल्कि यहाँ की लड़कियों को ताड़ना होता है। जी हाँ, आपने सही सुना, यूरोप से जितने भी टूरिज्म आते हैं वो ज्यादातर यहाँ की लड़कियों को देखने के लिए ही आते हैं। दोस्तों अब पता चला आपको कि यूरोप के ज्यादातर लोग यहाँ घूमने क्यों आते हैं। घूमने के नाम पर कुछ और ही है। दरअसल केन्या की लड़की है ही इतनी खूबसूरत, अगर आप एक बार उनको कोई देख ले तो वो मानो यहाँ की सुंदर लड़कियों का मुरीद हो जाता है। वैसे केन्या के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद आपके मन में भी क्या केन्या घूमने का ख्याल तो जरूर आया होगा। अगर आपके मन में कहीं घूमने का ख्याल आ रहा है तो हम आपको बता दें, केन्या आने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ का वीजा लेना होगा। यहाँ के वीजा की प्रोसेस बेहद ही आसान है। अगर आपके पास अभी डॉक्यूमेंट है तो आपको 4 दिन के अंदर वीजा मिल जाता है। इसके बाद आपको यहाँ पर 7 दिनों तक घूमने के लिए कम से कम 1 लाख रुपए लेने होंगे। दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जिसमें हमने आपको केन्या के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग और अजीबोगरीब फैक्ट्स बताए। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो और इसके अंदर दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसको दिल से 1 लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूले। जाते जाते आप सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि आपको केन्या के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगी।